का समय भारत 24x7 में मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। इस वक्त हम मौजूद है गाजियाबाद के वार्ड नंबर 3 के अंदर। हमारे साथ मौजूद है भाभी पार्षद राजेश कुमार जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में। सबको मेरा नमस्कार और आपका भी धन्यवाद। तो राजेश जी, ये बताइए कि आपने राजनीति की शुरुआत कब से की है? राजनीति की शुरुआत मैंने 2012 से की थी। 2012 में मैं पार्षद प्रत्याशी रहा था, चुनाव लड़ा था और सेकंड नंबर रहा था मैं 2012 में जी। और अब फिर मैं दोबारा चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के उसमें जी। तो सर, चुनाव जीतने के बाद जनता की कौन सी समस्या का सबसे पहले समाधान करेंगे? सबसे पहले जनता की समस्या का समाधान साफ सफाई, पार्कों का रख रखाव, पार्कों की सुंदरता, एक दूसरा ये ओपन जिम होती है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, एक वो एक होगी अपनी उसके लिए कहाँ तो हैं लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ने के लिए होगा, एक डिस्पेंसरी का हमारा प्रस्ताव है। अच्छा, ये बताइए, आप जब चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद अब सबसे प्राथमिक काम आपका क्या रहेगा? सबसे प्राथमिक काम हमारा वार्ड का साफ सफाई का, स्वच्छता का और सबका ध्यान रखते हुए पार्कों का और स्वास्थ्य के लिए डिस्पेंसरी का होगा, बच्चों के लिए खेलने का होगा, बुजुर्गों के लिए भी एक रख रखाव उसके लिए होगा, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था होगी। दूसरा एक सामुदायिक केंद्र है हमारे यहाँ, हम इस सामुदायिक केंद्र को सही तरीके से बनाएंगे जो गरीब कन्याओं की शादी फ्री में हो जाए, जो खर्चा ना लगे। जी बताइए, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता हमें वोट, हमारे काम के लिए वोट देगी जनता। जैसे हाल ही दिनों में चुनाव होने वाले 11 तारीख को, तो अब जनता को कैसे समझा रहे कि मैं आपके बीच रहकर आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा? जनताओं को हम हाथ जोड़ के सबसे धन्यवाद कर रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं, उनके काम के लिए हम अपने वोट मांग रहे हैं, बाढ़ के काम के लिए वोट मांग रहे हैं उनसे। तो अब तक क्या काम किया है आपने? अभी तो हम हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम काम कर रहे हैं, हम तो जनता, फिर भी जनता को कुछ तो बताया, जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी हम उनका कोई कार्य होता, कोई साफ सफाई का है उनको फोन करके हम बुला लेते हैं, गटर का है उन्हें बुला लेते हैं, और ये हमारे सामने पार्क है इसकी साफ सफाई हम डेली कराते हैं, यही उनका पब्लिक का काम कर रहे हैं। कोई काम होता तो हम उनके काम में खड़े रहते हैं हर वक्त।